हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात करेंगे पीएचडी की एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म की। ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से है एंड ये 2 जून को स्टार्ट हुआ है, यानी कि कल ही स्टार्ट हुआ है। इसमें सीटें अधिक हैं, मतलब अच्छी खासी हैं। 47 सब्जेक्ट्स हैं, लगभग सभी डिपार्टमेंट से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। लास्ट डेट 15 जून तक है। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा एंड एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्ड कैटेगरी भी है, मतलब जो नेट जेआरएफ वाले होंगे वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू, इसके थ्रू एडमिशन है। इसका 2 जुलाई को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। इसकी सारी डिटेल्स को हम ब्रीफली आपको डिस्कस करके बताएंगे एंड कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सारी डिटेल्स के साथ आपको ये बताते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ में आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एंड दोस्तों, एक एप्लीकेशन है सुनो किताब। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके थ्रू जाकर इसमें आप फ्री जो ऑडियो बुक्स हैं वो सुन सकते हैं। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पैटर्न में बहुत सारी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी और जिसे आप सुनकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हो या आप बिजी हो तो ये आप सुन सकते हो, जैसे आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो, तो इससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ये बेस्ट एप्लीकेशन है, आप इसको फ्री प्लान यूज़ कर सकते हैं डाउनलोड करके। अगर आपको लगे कि ये बेस्ट है, अच्छा काम कर रहा है, तो आप इसका प्रीमियम भी ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारा कूपन कोड जो है SKCONSTANCE उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, तो वो जो है ऑल सब्जेक्ट के साथ रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है। उस सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो दोस्तों, जो यूनिवर्सिटी है वो है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। ये गुवाहाटी आसाम में है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, नैक से A ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। इसमें पीएचडी एडमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आप उसके थ्रू जब आएंगे तो यहाँ पर आपको पीएचडी एडमिशन सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में आपको बता देता हूँ पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर कुल 47 डिसिप्लिनस हैं, ठीक है। और इन सभी डिसिप्लिन में GURET 2023 कंडक्ट होगा, मतलब कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। अब इसमें जो सीटें हैं वो देख लीजिए आप। तो एंथ्रोपोलॉजी की 9 सीट हैं। अप्लाइड साइंस में आप केमिकल साइंस की देखेंगे 4 है, फिजिकल साइंस की 2 है, अरबिक में 2 है, असम में असमसी जो लैंग्वेज वहाँ की है उसकी 14 सीट्स हैं, बंगाली में 2 है, बायो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में 5 है, बायोटेक्नोलॉजी में 6 है, बोडो में 2 है, बॉटनी में 14 है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 1 है, केमिस्ट्री में 9 है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में 4 है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में एमफिल की भी सीटें हैं 12 सीट, एंड कॉमर्स से पीएचडी की 5 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस में 2 है, ईसीई में यहाँ पर 5 सीट हैं और इकोनॉमिक्स में 6 है, ईसीटी में 3 सीट है, एजुकेशन में यहाँ पर 5 सीट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में 4 सीट हैं, इंग्लिश में 9 है, इन्वायरमेंट साइंस में 2 है, फॉलकरे रिसर्च में यहाँ पर 4 सीट हैं, जियोग्राफी में 9 है, जियोलॉजिकल साइंस में 6 है, हिंदी में 1 है, हिस्ट्री में 6 है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 सीट, इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 है, लॉ में 4 है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है, लिंग्विस्टिक्स में 4 है, मैथमेटिक्स में 10 है, MIL एंड LS में 10 है, पर्शियंस में 5 है, फिलोसॉफी में 4 है, फिजिक्स में 23 है, पॉलिटिकल साइंस में 7 है, साइकेट्रिक नर्सिंग में 3 है एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क एमफिल की 11 सीट्स हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्क PhD की 4 सीट्स हैं, साइकोलॉजी में 3 है, संस्कृत में 6 है, वुमेन स्टडीज़ में 4 है, जूलॉजी में यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो ये कुल 47 डिसिप्लिन हमने आपको बताया जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ये जो डिसिप्लिन है इसी के नीचे सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोसेस का लिंक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। फिर आपको गो कैप पे क्लिक करना है, तब आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा MCOM BTech बायोटेक्नोलॉजी, तो जो आपको GURET पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन, तो ये बटन है हियर का, इसी पर क्लिक कीजिए एंड फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। OTP जाएगा, OTP भरने के बाद आगे का एप्लीकेशन आपको प्रोसीड होगा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स है, इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। और PhD एडमिशन की इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट जो है उसमें ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 जून है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन संडे 2 जुलाई है, क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 जून 2023 एंड यहाँ पर एडमिट कार्ड आपका आएगा 27 जून 2023 को। एग्जिम्प्टेड कैंडिडेट जो एप्लीकेंट्स रहेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी 23 जून को, ठीक है। 23 जून को ही जो कैंडिडेट एग्जिम्प्ट रहेंगे एंट्रेंस एग्जाम से उनकी लिस्ट आ जाएगी एंड 27 जून को आपका ये एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। और फिर एंट्रेंस जैसे कि बताया 2 जुलाई, फिर आपका रैंक जो लिस्ट है वो 20 जुलाई को आ जाएगी। और इसमें GURET की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए। तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर 2000 रुपये है पर सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर अब इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी 55% मार्क्स आपका संबंधित डिसिप्लिन में आपके मास्टर में होना चाहिए, ठीक है। SC ST OBC को 5% की छूट यहाँ पर मिल जाएगी और PWD वाले जो हैं उनको भी मिलेगी। आपका अगर एलाइड डिसिप्लिन से भी PG है तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अपीयरिंग में है अपने पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन के जो फाइनल एग्जामिनेशन फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर में है वो भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, वो भी अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। एडमिशन के समय तक उनका रिजल्ट की उनको डिमांड रहेगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो जो GURET होगा 2023 वो 100 मार्क्स का होगा, ये आपको देना पड़ेगा। GURET में क्वेश्चन कैसे आएंगे और इसकी क्या पैटर्न रहेगा, तो ये जानने के लिए तो ये जो टेस्ट होगा ये फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। ठीक है, इसी के लिए ये एप्लीकेशन हो रहा है और इसमें एग्जामिशन भी जो होगा वो बताते हैं आपको। तो GURET ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा 2 जुलाई को और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटे का। 100 MCQ रहेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा, बट यहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है। एग्जामिशन फ्रॉम GURET, किसी किसी एग्जामिशन मिलेगा, मतलब कौन कौन एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा उसका। तो जो भी कैंडिडेट CSIR, UGC, JRF, ICMR, JRF, ICR, JRF, DBT, JRF एंड एनी नेशनल लेवल फेलोशिप स्कॉलरशिप होल्डर जो कैंडिडेट्स हैं ये सभी लोग जो है एग्जाम रहेंगे GURET से, मतलब उन्हें ये एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नेट वालों को भी एग्जाम रखा जाए, जिनके पास किसी प्रकार की फेलोशिप है सिर्फ वही यहाँ पर एग्जाम होंगे या JRF वाले। ठीक है, यहाँ पर ओनली नेट वाले जो हैं वो एग्जाम नहीं है, उनको हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर देना पड़े क्योंकि उनके लिए मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो भी एग्जाम होंगे GURET से। ठीक है, GURET क्वालिफाई करने के लिए 50% आपको लाना पड़ेगा और जो एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जैसा कि पहले हमने बताया कि एडमिट कार्ड इशू होने से पहले ये लिस्ट आ जाएगी कि जो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल रहेंगे उनकी लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी डिटेल्स थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी एंड इसी तरह से और भी सारे एप्लीकेशन की जानकारी यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन साथ नेक्स्ट वीडियो में।